ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले आगे बढ़ने के पहले एक बड़ी छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा आपसे। मैं आपको दिखाता हूँ कि दुनिया का सबसे महंगा ग्रीटिंग कार्ड कैसा होता है, ठीक है। एंड आई हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रीटिंग कार्ड, समझ सकते हैं आपके, यानी दुनिया का सबसे महंगा ग्रीटिंग कार्ड मेरे पास में है, और वो कार्ड है दिस वन, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रीटिंग कार्ड एवर। के ये जो है ये मुझे तो जो है मेरी एक कमांडो तूबा सिद्दीकी, 617 मार्क्स उनका नीट में आया, और वो अभी LTM मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर पढ़ रही है, तो उन्होंने मुझे एक कार्ड गिफ्ट किया है और इट्स अमेजिंग कार्ड है। मैं इस कार्ड को खोलकर आपको दिखाता, देखिए आप इस कार्ड में रिजल्ट टेस्ट करें। कार्ड को खोलने पर मुझे एक डेस्क दिखाई पड़ती है और पीछे बायोमेंटर्स का लोगो है इसमें। इस डेस्क के ऊपर आप देखेंगे तो लैपटॉप है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो है नोट्स हैं, डीपी, और उसमें इस पर भी लिखा हुआ है DPS, नोट्स में DPS है इसमें, के पेन पेंसिल के। तो दिस शी एक्सप्लेन, उसने एक बड़ा अच्छा नीचे लिखा हुआ है तूबा ने, थैंक यू फॉर मेकिंग वी व्हाट आई एम टुडे, एन अमेजिंग टीचर लाइक यू इज हार्ड टू फाइंड एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, लव फ्रॉम तूबा योर कमांडो, मोटिवेट टीच क्रिएट एंड लाफ्ट के उन्होंने लिखा उस कार्ड में, और बड़ा सुंदर सा कार्ड है के। और इस कार्ड अब ये आपको बताऊं क्या कि आपको ये दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है ऐसा साफ साफ, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि ये ग्रीन कार्ड है के, और हम जहां रिकॉर्डिंग हम लोग का होता है वो वर्चुअल रियलिटी पर रिकॉर्डिंग होता है, तो वी आर यूजिंग क्रोमा स्क्रीन, तो इसलिए आपको वो ग्रीन कार्ड साफ साफ नहीं दिखाई पड़ा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्ड को बनाने तूबा ने खुद अपने हाथ से बनाया है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका लगा के खोलने पर हमें एक पूरा डेस्क दिखाई पड़ता है, बायोमेट्रिक्स का ट्रूली रिफ्लेक्शन जो है इस कार्ड में देखने मिला है। थैंक यू वेरी मच तूबा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि तूबा ने इस कार्ड को बनाने के दौरान बड़ी बारीक बारीक चीजों का इस्तेमाल किया, उसने के छोटे छोटे स्टार्स लगाए उसमें, छोटा छोटा सा जो है बटरफ्लाईज लगाया, और स्टेथोस्कोप को डिजाइन किया के। तो ये इस कार्ड को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है के। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे इमोशंस लगते हैं इसके लेट के, और इसलिए इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्ड आई एवर गेट इन माय लाइफ, क्या सबसे महंगे कार्ड में से एक के मेरे, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि ये क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए एक साल तूबा को जमकर मेहनत करनी पड़ी सिलेक्ट होने के लिए, एक साल मेरे को जमकर मेहनत करनी पड़ी कि तूबा सिलेक्ट हो जाए इसके लिए, ठीक है, और कमांडो सेलेक्ट जाए इसके लिए। तो ये सब जो है वो साल भर जब हम जमकर मेहनत किए हैं, दिन और रात एक किए, और मैंने कहा ना कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन आती है, तो ये वो ही रोशनाई है, उसी की चमक का एक हिस्सा है, ठीक है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि मेरे कमांडो जो है वो इतना सकते हैं। देखो बेटा इन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है फीलिंग्स के, दिस कार्ड, दिस इज नॉट ए मेयर कार्ड, ये केवल कार्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, बंडल ऑफ फीलिंग्स है इसमें, क्या That I can feel, so you all are very close to my heart, और इसलिए बेटा मैं बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, डांटता भी हूँ आपको, उठ के आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ एक अच्छे इंसान बने, सफल व्यक्ति बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, ठीक है।